जैसे कि बहुत पोल्यूशन हो जाता है क्रैकर्स की वजह से, तो इस बार ज़्यादा पटाखे नहीं फोड़ने वाला हूँ। और मेरे सारे दोस्तों को और मेरे सारे फैंस को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्लीज़ इस टाइम आप लोग पटाखे ना फोड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। और मोमबत्ती की जगह दिया का यूज़ करें। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाया है दिल्ली में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे बहुत सही किया है कि बैन लग गया दिल्ली में, क्योंकि लास्ट ईयर क्रैकर्स की वजह से स्कूलों में और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, स्कूल सारे क्लोज हो गए थे। दिवाली की बात करें तो सबसे पहले कौन सी बात आपको याद आती है, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं दिवाली प्रतिवर्ष, क्या कहना चाहेंगे? दिवाली से पहले कि अपने सारे रिश्तेदारों से मिलते हैं, ये सबसे अच्छा होता है, और सब दोस्त घुल मिल के हम लोग सब घूमते हैं और सब अपने घर से जाते हैं। दिवाली की कोई खास यादें जुड़ी है जो आप शेयर करना चाहेंगे आपसे? हाँ, दिवाली में मैं हर बार अपने गांव जाता हूँ। साल में मतलब बहुत मुश्किल हो गया इस बार जाना, तो मैं जा नहीं पाया हूँ, पर लास्ट ईयर दिवाली गया था गांव में, तो फिर वहाँ पे सब दोस्त वोस्त मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सर पटाखे छोड़ दें, इस साल पटाखे नहीं जलाएंगे क्योंकि बहुत पोल्यूशन हो जाता है, तो अब मन भी नहीं करता। पहले छोटा था तो लगता था कि हाँ पटाखे जलाने, बट अब मन नहीं करता जलाने। दिवाली की शुभकामनाएं मेरे सभी दोस्तों और मेरे सभी फैंस को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्लीज इस बार आप लोग पटाखे ना जलाएं, क्योंकि बहुत पोल्यूशन हो जाता है और बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी हो जाती है उसकी वजह से, जो बूढ़े और बुजुर्ग होते हैं। और मोमबत्तियों की जगह दियाओं का यूज करें। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज धनतेरस है और मेरी मूवी का ट्रेलर भी लॉन्च हो रहा है और गाने भी लॉन्च हो चुके हैं मेरी मूवी के, और धनतेरस के दिन हुआ है तो चलना ही चाहिए। और ऑडियंस मुझे जितना प्यार दे और उनकी वजह से मैं आगे बढ़ पाऊंगा, और ऑडियंस और मेरे सारे दोस्त मेरे सारे फैंस मेरी मूवी के ट्रेलर देख के और गाने सुनेंगे, उतना ही मैं आगे बढ़ूंगा और आगे चल के अच्छे से अच्छा कुछ आप लोग को बना के दिखाऊंगा। जैसे कि कुछ दिन पहले आपकी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हुआ था, क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक के बारे में, किस तरह का रिस्पांस मिला है आपके फ्रेंड से और बॉलीवुड से? जैसे कि अरबाज खान जी भी आए थे, जरीन खान भी आए थे, कई बॉलीवुड के चेहरे आप म्यूजिक लॉन्च पर मौजूद थे, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आपके म्यूजिक से? जो म्यूजिक लॉन्च हुआ थोड़े दिन पहले, मेरा गाने तो मेरे को बहुत अच्छे लगे, बट थोड़ा ओल्ड टाइप में, ओल्ड वर्जन टाइप है, तो मेरे को थोड़ा पहले तो स्टार्टिंग में लगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या पता लोगों को, इस जनरेशन में लोगों को नहीं अच्छा लगे। तो फिर बाद में मैंने गाने बार बार सुने तो मेरे को लगा हाँ गाने अच्छे हैं, लोग सुनेंगे इन्हें। और अरबाज खान वगैरह आए तो उन्होंने मुझसे बात करी और बताया कि हाँ सॉन्ग्स अच्छे हैं। फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, अपने किरदार के बारे में एक बार बताइए, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं फिल्म में आप? एक ट्राइबल लड़का होता, मतलब जंगली लड़का होता है, आदि एक सैनिक का बेटा होता है उसमें, मैं तो जंगल में ही पला बड़ा होता हूँ, बड़ा होता हूँ, तो बहुत मतलब रिच टाइप नहीं हूँ इसमें, थोड़ा नॉर्मल मिडिल में। जैसे कि म्यूजिक भी लॉन्च हो चुका है, ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है, फिल्म का म्यूजिक और ट्रेलर देख के आपको लगता है कि आपने जिस तरह से मेहनत किया है बिल्कुल उसी तरह से फिल्म बनी है ये? हाँ, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में तो मेरे को लगा जो स्टोरी है बहुत ओल्ड बेस्ड है, तो मेरे को नहीं लगा कि मूवी चलेगी, वो मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं देते, पर फिर मैंने ट्रेलर देखा कि हाँ भाई ट्रेलर मेरे को बहुत अच्छा लगा, कि पहले मेरे को लगा नहीं था, फिर वो कट वगैरह हो गए, ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिल्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कोई खास मेमोरी याद आती है शूट के दौरान, काफी बड़े बड़े चेहरों के साथ आपने काम किया है? मोस्टली सबसे मेरे को अच्छा सीन लगा मूवी में मेरे दोस्तों के साथ, जो मेरे सीन्स होते हैं, हम लोग बाग में जाते हैं, घूमते हैं और खाते पीते हैं, उसमें बहुत इन्जॉयमेंट थी, वो एक यादें थी कि दोस्तों के साथ सीन किए। जैसे कि आपकी पहली फिल्म है, तो आने वाला वक्त क्या किसी बॉलीवुड स्टार के साथ काम करना चाहेंगे, और करना भी चाहेंगे तो कौन सा स्टार है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? वैसे मेरा फेवरेट स्टार सलमान खान है, और मैं चाहूंगा कि मेरा कोई रोल उनके साथ मिले मुझे, आगे चल के उनसे काम कर उनके साथ। और इस फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैंने और मेरी टीम ने बहुत मेहनत करी है इस फिल्म में, और मैंने भी बहुत मेहनत करी है, मैं नंगे पैर और हर जगह भागा हूँ, मैंने बहुत वेट लूज किया है मूवी के लिए, और प्लीज आप लोग आए और मेरी मूवी देखें, आप लोग की वजह से मेरी मूवी आगे बढ़ेगी, आप लोग जितना प्यार देंगे, और आगे चल के मैं और अच्छी अच्छी मूवी आप लोग को बना के दिखाऊंगा। दिवाली पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी अच्छे तरीके से बनाएं, पटाखे न छोड़ें, स्वदेशी चीजें अपनाएं,
जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाया है दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे सरकार का, कोर्ट का फैसला सही है? बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोगों से पीड़ित तो होते हैं पटाखों के धुएं की वजह से, तो मैं यही कहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बहुत बेहतरीन फैसला किया है उन्होंने। और ये दिवाली आपके लिए कितना खास है? मेरे लिए विशेष है ये दिवाली, क्योंकि मेरी मूवी भी आने वाली है इसमें, और मेरे लिए खास दिवाली है ये। जिस तरह से आप धनतेरस और धनतेरस के दिन आपकी फिल्म क्रीना का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के ट्रेलर को देखकर? फिल्म के ट्रेलर को देख के मैं यही कहूंगा कि बहुत बेहतरीन फिल्म है और अच्छे तरीके से बनी है, और सभी से गुजारिश करूंगा कि अच्छे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर के इसको एंजॉय करें, अच्छा मनोरंजन। अभी कुछ दिन पहले आपकी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हुआ था जिसमें कई बॉलीवुड के चेहरे नजर आए थे, किस तरह का रिस्पांस मिला है दोस्तों से और बॉलीवुड के सितारों से? बेहतरीन रिस्पांस मिला है, सभी ने मेरे को सराहा है, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो सभी अपना एक कीमती समय लेके आए थे, और मैं उनको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। और आने वाला समय पार्क फिल्म से कोई और फिल्म लाने का भी प्लान है कुछ? बिल्कुल प्लान है हमारी, जैसे ही ये क्रीना मूवी रिलीज होगी उसके नेक्स्ट 2 मंथ या 1 मंथ के बाद में हम न्यू प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। और फिल्म की बात करें तो फिल्म कब तक रिलीज होगी, कुछ डेट बताना चाहेंगे? फिल्म कोशिश चल रही है हमारी, टेंटेटिव डेट है कि हम नवंबर लास्ट वीक में इसको रिलीज करें। ऑल ओवर इंडिया रिलीज करेंगे स्टेट वाइज समझिए राज्य में ऐसा कुछ? हम ऑल ओवर इंडिया के ही मूड में अभी कि हम एक साथ सभी जगह प्रदर्शित करें मूवी। और फिल्म को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? फिल्म को लेकर के मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, ये बेहतरीन एक न्यू जॉनर की मूवी है, इसको सभी आके देखें, और इसमें यंग और आपके गुजर गए उनको सभी को एक मैसेज जाएगा, और मैं इंद्र कुमार जी को एक बार फिर उनके एक उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करूंगा कि वो जहाँ भी हैं वो सुखी रहें और उनकी आत्मा को शांति मिले। मेरी तरफ से सारे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अर्चना चौहान, आज धनतेरस से क्या प्यारी रंगोली बना रही थी, कैसा लगा रंगोली बनाते वक्त? रंगोली बनाते हुए बहुत अच्छा लगा। दिवाली में विशेष क्या देना चाहेंगे, किस चीज को, किस चीज से बचना चाहिए दिवाली में? दिवाली में ज्यादातर पटाखे और बॉम, वो आलू बॉम आता है, और इन चीजों से बच्चों को बचाकर रखना चाहिए। क्रीना मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसके लिए मैं बहुत खुश। ढेर सारा प्यार दीजिए।